जी, तो बचपन से हमें एक चीज़ सुनने को बहुत मिलती थी कि भाई यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपके मज़े ही मज़े होंगे। उसके बाद 9 और मैट्रिक में हमें इस बात की बहुत जल्दी थी कि भाई स्कूल लाइफ जल्दी से ख़त्म हो जाए ताकि हम 2 साल कॉलेज पढ़ के उसके बाद यूनिवर्सिटी चले जाएँ, क्योंकि वहाँ पर मज़े बहुत हैं। तो आज हम यूनिवर्सिटी की लाइफ में हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे कितने मज़े हैं। जी, बाहर अशरफ वेट कर रहा है, तो सबसे पहले जाते हैं यूनिवर्सिटी, वहाँ पर यूनिवर्सिटी देखते हैं, उसके बाद अब आपको हम अपने मज़े दिखाते हैं कि हमारे कितने मज़े। तो चलें यूनिवर्सिटी की तरफ। जी, कराची यूनिवर्सिटी तो पहुंच गए, तो सबसे पहले आप कराची यूनिवर्सिटी देखें, उसके बाद आके मिलते हैं। जी, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं भाई, वो रूल्स आपको बताते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी में आने के बाद सबसे पहला रूल ये है कि आप सबसे अच्छे दोस्त बनाएं। तो मेरे दोस्त ये पहला रूल तो साकिब भाई ने बता दिया। दूसरा रूल ये है कि जो सियास है ना, उनके समझ रहे हो ना। जी, तो सियार ये काम हमसे नहीं होते भाई, इसके लिए किसी और को ढूंढना, ठीक है ना। ये काम हम बिल्कुल करते ही नहीं है, हम पढ़ाई कर लेंगे। खैर, गजब बेइज्जती है। जी, रूल नंबर 3, आपको मुझसे ज्यादा अच्छा हैदर भाई के पास जाइए। रूल नंबर 3, जब आप यूनिवर्सिटी में इंटर होते हैं तो क्लास में इतने ग्रुप बन जाते हैं कि पढ़ाई का अलग, गपशप का अलग, 200-300 करोड़ ग्रुप बन जाते हैं। बंदा हैरान हो जाता है कि कौन से ग्रुप को मैं रिप्लाई दूं, किस ग्रुप को मैं असाइनमेंट भेजूं, समझ में नहीं आता। और कभी कभी तो टीचरें जो ना पुराने मुर्दे उखाड़ लेती हैं कि फलाना असाइनमेंट नहीं आया तुम्हारा। अरे कहना क्या चाहते हो, ये नहीं आया, ये नहीं आया, समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो रूल नंबर 4 ये है कि अगर आप IR के स्टूडेंट हैं तो अपने घर से ISM ज़रूर लेकर आएं, क्योंकि मेरा नाम साकिब है, यहाँ पर मुझे साकिबिज़म, इसी तरह रियलिज़म, मार्क्सिज़म, यूनिज़म, ये चीज़ चलती है भाई, ये रूल अजमी फॉलो करिएगा। रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है, कोई और समझा देगा। रूल नंबर 5, सब कुछ करना लेकिन असाइनमेंट टाइम पर करना है। जी समीर, पता है यार, हम तो हमेशा अपना असाइनमेंट वक्त पर ही करते हैं, कौन सा असाइनमेंट है जो हमने वक्त पर नहीं किया। शहजाद भाई, लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में मज़े ही मज़े होते हैं, आपके मज़े कहाँ हैं? हमारे मज़े ही जी, तो अभी हमने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए, उसके बाद पहले असाइनमेंट जमा कराते हैं और उसके बाद असाइनमेंट की जो खुशी है वो भी देख लेना। उसके बाद जो है ना मेन चीज़ है, समीर की बर्थडे,
वो भी देख लो, ये हमारे मज़े में शामिल है। सही, चलो समीर की बर्थडे देख लो, उसके बाद और भी बातें करते हैं। अच्छा हाँ, तो देखिए असाइनमेंट तो हमने जमा करा दिया, असाइनमेंट के बाद की खुशी आप देख सकते हैं सारी अगली वीडियो में। सारी एडिटिंग है, एडिटिंग नहीं है भाई। सर कुछ कहेंगे? सर कुछ कहेंगे? सर बहुत मुश्किल से असाइनमेंट सबमिट करवाया है कसम से। यार असाइनमेंट की खुशी में तो कुछ होना चाहिए ना। होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। चलो शाह डांस कर ले यार, जो कर सकते हैं ये बंदा कर ले, कर ले, ये हमें खिला सकते हैं, ये भाई अशरफ के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ये अशरफ ये तो कन्फर्म है। अच्छा अच्छा आप मैं बोलूँ कुछ वीडियो बन गया? नहीं नहीं भाई। बर्थडे इस वक्त शोर शोर से जा रही है, समीर भाई की बर्थडे भाई मेरे ऊपर नहीं कर रहा है। समीर भाई की बर्थडे सेलिब्रेशन जी सर। ब्लॉगर का खाना खराब कर दिया। बस कर बस करे। चलो अब थोड़ा केक काटते उसके बाद। ये है कि भाई स्कूल की लाइफ सबसे अच्छी होती है भाई, ना कॉलेज ना यूनिवर्सिटी, कुछ भी मज़े नहीं है भाई। स्कूल में जो करना है करो, वही मज़े हैं, बहुत मज़ा आता है, हमें बहुत याद आ रहा है स्कूल। लेकिन अब क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में आ गए, मज़े लेने थे ना, तो अब यूनिवर्सिटी हमारे मज़े ले रही है। तो भाई स्कूल लाइफ, ये जो स्कूल के आजकल के निग्गाज, ये नए लौंडे जो है ना, इनको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई स्कूल में जितने मज़े करने ना कर लो, क्योंकि आगे कोई मज़े नहीं है भाई, पढ़ना पड़ता है। और वो भी ये देखो, एक सेमेस्टर पढ़ा नहीं है, मेरे आगे के बाल निकल गए भाई। स्कूल में मज़े कर लो, आगे कोई मज़े नहीं है। तो मेरे इस मतलब इस वीडियो के ऊपर मैंने बहुत मेहनत की है, सब्सक्राइब लाजमी आना चाहिए और कमेंट भी टोको भाई। इतनी मेहनत की है ना, कितनी ख्वारियाँ की है, पूरी यूनिवर्सिटी घूम के आया हूँ। और बाकी ये है कि मतलब बेल आइकन लाजमी दबा देना, और मिलते हैं एक और व्लॉग में। अब एक तो मैंने पंखा बंद किया हूँ क्योंकि अब उनके पास एक आईफोन 7 प्लस है, इसके अलावा कुछ नहीं। कैमरा है लेकिन कैमरे पे फ़िलहाल इतना खास बनाना, मतलब कैमरे के ऊपर बनाना बहुत मुश्किल काम है यार, क्योंकि कैमरा बहुत भारी है। कम से कम सोनी A7 III हो तो फिर काम चल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।